अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब तक आपने देखा, शारदा गलत पेपर्स पर अंगूठा लगा देती है जिसकी वजह से सुरेश को करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सुरेश शारदा पे गुस्सा निकालता है। तुम पढ़ लिख नहीं सकती शारदा, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या जरा सी भी समझ नहीं है? तुम्हारी वजह से मेरे करोड़ों का नुकसान हो गया। साक्षी शारदा को पढ़ने के लिए बोलती है। आप अपने पढ़े लिखे ना होने पर अब अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप पढ़ेंगे। अब आगे आप घर का हर काम बहुत अच्छे से करती, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना, आप बाहर का भी हर काम उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। आज तक आपने सब कुछ अपने परिवार के लिए किया है ना, तो ये भी अपने परिवार के लिए ही कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें आपसे ज्यादा ना उनकी भलाई है। और हाँ, हर चीज में अपने आप को दोष देना बंद कीजिए माँ। बेटा मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे डांटा, इससे तू नाराज है, पर वो भी बड़ी बात नहीं थी। सब ठीक हो जाएगा, कल तक सब ठीक हो जाएगा। खुद कुछ ठीक नहीं होगा माँ, आपको करना पड़ेगा। पर कैसे? ये दीजिए मुझे। और चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? बैठिए। इससे सब कुछ इससे ठीक होगा माँ। जब आप किसी भी कागज पर अपना अंगूठा लगाती तो वो निशान अज्ञानता की कालिक है, जिसे हटाने का यही एक तरीका है। आप पढ़िए ना माँ। बेटा इस उम्र में अब मैं कहाँ पढ़ूंगी? बूढ़ा तोता नए पाठ नहीं सीख सकता बेटा। बचपन में मेरे हालात ऐसे थे कि मैं नहीं पढ़ सकी, और अब मुझे घर के कामकाज से कहाँ फुर्सत है कि मैं पढ़ाई के लिए वक्त निकालूं। मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ। एक माँ का सारा वक्त अपने बच्चों की परवरिश में जाता है, एक पत्नी का सारा वक्त अपने पति की देखभाल में जाता है, तो ऐसे हालात में मैं अपने लिए कैसे वक्त निकाल सकूंगी? निकालना होगा। आप ये मत भूलिए माँ कि एक माँ और पत्नी होने से पहले आप शारदा हैं। एक माँ और पत्नी होने के अलावा भी आपकी एक पहचान है जो आपकी इन जिम्मेदारियों के बीच हो गई है। जब तक आप पढ़ेंगी नहीं तो वो पहचान वापस कैसे आएगी? माँ मैं हूं ना आपके साथ, घर का सारा काम करूंगी मैं ताकि आप पढ़ लिख सके। पहले तो आप अकेली थी ना, लेकिन अब आपके पास दो और हाथ हैं और एक साथी है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्लीज पढ़ने के लिए हाँ कहिए। बेटा मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, ये घर ये परिवार यही मेरी पहचान है। दादी। दिया आ गई स्कूल से, मैं उसे जाके देखती हूँ। करण, तुझे तो बुखार था ना, तुझे अपने कमरे में होना चाहिए। तो
तो फिर बाहर से मटर गश्ती करके कहाँ से आ रहा है? वो मैं अभी नीचे आया था दादी, और उसके बाद दोस्त डॉक्टर के पास चला गया था। डॉक्टर के यहाँ इतनी रात को? हाँ दादी, अब तबीयत खराब हो तो दिन में रात में कभी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है बेटा, तू जाके आराम कर। जी दादी। दिया, अभी तक जाग रही है? और तुम्हारे डक मोदी भी जाग रहा है? क्या हुआ, मम्मा ने डांटा? फिर नानू ने नानी को इतना डांटा कि मुझे तो रोना ही आ गया। डैड ने मॉम को डांटा? डांटे नहीं तो और क्या करे, तेरी माँ के लक्षण ही ऐसे हैं। पता है आज कितना बड़ा नुकसान करवा दिया तेरे पापा का, और ऐसा वैसा नहीं, पूरे 20 करोड़ का मेहनत की कमाई एक अंगूठे के निशान की वजह से चली गई। दादी नुकसान तो हुआ ही, पर आई फील डैड ने इस बार मम्मा को कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया। लेकिन गलती मम्मा की ही है ना, कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना जाने बिना समझे वो अंगूठा लगा सकती है? अब देखिए मम्मा की इस नेग्लिजेंस का क्या नतीजा निकला। एनीवे आज बहुत लेट हो गया है, मैं घर जाती हूँ। दिया चलो सबको गुड नाइट बोल। गुड नाइट दादी। चलती हूँ दादी। जा बेटा तू भी जाके आराम कर ले, मैं भी जा रही हूँ। Yes, yes, I know. लेकिन जो कुछ भी हो इस मैटर को जल्दी खत्म करो। Do whatever you want. I need results. Dad. जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन किसी की भी वकालत करने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि उसने किया क्या है। तुम्हारी माँ अनपढ़ और गवार है ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि आज उसने मेरे माथे पर ये लिख दिया कि सुरेश मोदी इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है। इससे मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। पूरा बिजनेस वर्ल्ड मुझ पर हंस रहा है कि सुरेश मोदी की बीवी ने बिना डॉक्यूमेंट पढ़े उस पर अंगूठा लगाकर 20 करोड़ का नुकसान कर दिया है। आज तुम्हारी मां की वजह से मेरी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल गई। वर्षों बीत जाते हैं इज्जत बनाने में, लेकिन जाते हुए 2 मिनट भी नहीं लगते। अभी मेरी बात हो रही थी हमारे वकील से पैसों के नुकसान के बारे में, लेकिन जो नुकसान मेरी इज्जत मेरी रेप्यूटेशन का हुआ है उसमें कोई भी वकील मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन डैड आप, खैर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इतनी मेहनत से जो मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वो खड़ा रहे या जल जाए, इज द सेम फॉर यू। ऐसी बात नहीं है डैड। ओह शट अप। अगर तुम्हें फर्क पड़ता तो तुम बीमारी का झूठा बहाना बनाकर ऑफिस को अवॉइड करके बाइक एग्जीबिशन पर नहीं जाते। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम जो ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना वो मेरा है, उससे की हुई हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट मेरे पास आती है। खैर इस बाइक को तुम अपने लिए शादी का तोहफा समझो, पर ऑलवेज रिमेम्बर कर 14 लाख की बाइक खरीदोगे तो मुझे शायद बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम 14 लाख का अपनी बेवकूफी की वजह से नुकसान करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि एक इंसान खर्चा अपनी मर्जी से करता है लेकिन नुकसान अपनी बेवकूफी की वजह से करता है, और मैं बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन इससे ना तो तुम्हारी मां को फर्क पड़ता है
ना ही तुम्हें, क्योंकि आज तक अपनी अकल और अपनी मेहनत से ना तो तुम्हारी मां ने एक रुपया कमाया है और ना ही तुमने। डैड, इस वेडिंग गिफ्ट के लिए थैंक्स। मुझे ये बाइक नहीं चाहिए डैड। अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो बस मेरी माँ और अपनी वाइफ को वो रिस्पेक्ट दीजिए जो वो डिजर्व करती है। रिस्पेक्ट। सुनिए, मैं जानती हूं मुझसे गलती हो गई, पर आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं माफ कर भी दूं तो क्या होगा? जो मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। वो वर्मा जिसके सामने मैं आज तक हर बाजी जीता हूं तुम्हारी वजह से, मैं उसके सामने हार गया। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या मेरी हार जीत में बदल जाएगी? ये मेरी मजबूरी है कि मुझे अपना सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पर रखना पड़ता है। काश तुम्हारा नाम मेरे निजी जीवन के साथ जुड़ा ही ना होता तो मुझे ये रोज रोज की जिल्लत ना सहनी पड़ती है। देखिए शारदा, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आपने शाम की दवाई नहीं खाई, मैंने वो वहां रखी थी। तुम अगर ये जाहिलों वाली हरकतें बंद कर दोगी तो मुझे दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुन, ये सब छोड़, तू जाके दादी के लिए दलिया तैयार कर जी, और लतिका दीदी का जूस भी तैयार रखना। हाँ जी। दादी, मामी। अरे तू आ गई है तो चल बैठ, तेरे लिए दूध लेके आती हूँ मैं। नहीं, पहले ये बता कि मामी का है, मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे मिल ही नहीं दी है। अरे हाँ, मैंने भी सुबह से साक्षी को नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ गई है। माँ कह रही है ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल ही जाएगा। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, इसलिए आज मैं जिद नहीं करूंगी कि आप ऑफिस जाए। मैं आपका गुस्सा बेकार नहीं जाने दूंगी, माँ को उनका सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवा कर रहूंगी मैं। शारदा, दलिया बना रही हो कि महाभारत लिख रही हो? भाई बस आई, तैयार है, ये लीजिए आपका दलिया। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? मामा आज बहुत लेट हो गई हूँ, आज नाश्ता करने का टाइम बिल्कुल नहीं। अरे नाश्ता नहीं तो ये जूस तो लेके जा।
मम्मा मम्मा बहुत लेट हो गई, टाइम नहीं है, जूस पीना पड़ेगा, चल। मम्मा आप भी ना एक बार पीछे पड़ जाते हो तो बस पड़ ही जाते हो। चलती हूँ, बाय दादी, बाय दिया, बाय मम्मी, अपना ख्याल रखना बेटा। ये साक्षी अब तक नीचे नहीं आई, कहाँ रह गई है वो? मिल गया, हेलो जी, मैं आपके क्लासेस और आपके टाइमिंग्स के बारे में पता करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ है आपके ये क्लासेस? ये अच्छा, घर के पास है माँ, दिन में नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये आफ्टरनून क्लासेस सही रहेंगे जी। ओके थैंक यू। मैं अभी जाके माँ को बताती हूँ। ये क्या है बेटा? ये वो फॉर्म है जिसमें आपकी और इस पूरे परिवार की खुशियां छुपी है। लेकिन ये है क्या? ये कोचिंग क्लासेस का फॉर्म है वहाँ, जिसे मैंने अभी अभी प्रिंट आउट किया है। कौन सी क्लासेस? अब कोचिंग क्लासेस, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे हर उम्र के लोग पढ़ने आते हैं। अब से आप भी पढ़ने जाएंगे। परिवार वाले क्या कहेंगे? करण के पापा को तो ये बिल्कुल ही। माँ आप फिक्र क्यों कर रही, मैं हूं ना आपके साथ, मैं जाकर सबको समझाऊंगी। देख बेटी तू मेरी बात मान, ये सब नहीं कर। माँ हर बार मैं आपकी बात मानती हूँ, बस इस बार आप मेरी बात मानिए ना। आप चाहे जितना भी मना करें माँ, आपको मेरे साथ इस कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के लिए चलना ही होगा। पर साक्षी, माँ इस वक्त सब बाहर बैठे, पापा भी बाहर, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। साक्षी मेरी बात तो सुनो तो। शास्त्रों में लिखा है विद्या ददाति विनयम, इसका मतलब हुआ जिस इंसान में विनय है तो पैसा शोहरत इज्जत उसके कदम चूमती है। तुझे अगर बड़ा आदमी बनना है तो खूब अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर, समझा? जी दादी, अब मैं अपनी स्टडीज पर पूरा कंसंट्रेट करूंगा और डैड के बिजनेस को बहुत बहुत आगे लेके जाऊंगा। गुड, और आपको अपने साथ पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा, यूके, यूएसए, लंदन, पेरिस, हर जगह। जी अब मेरे लाल। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखिए ना पापा, मैं कब से माँ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो समझ ही नहीं रही। ये कोई नई बात नहीं है, इसे किसी की भी बात समझ में नहीं आती, ये वही करती है जो इसका मन कहता है। तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहा करो, यू कैन कम टू मी एनी टाइम। नहीं पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पापा मुझे लगता है माँ को पढ़ना चाहिए। पापा, I seriously think, जो कुछ भी हुआ, अगर माँ पढ़ी लिखी होती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। माँ को ताने देने से या उन्हें छोटा दिखलाने से अच्छा तो यही होगा ना, हम सबको मिलकर माँ को एक नई राह दिखानी चाहिए, माँ को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? शारदा ये क्या हो गया तुझे, ये कोई उम्र है पढ़ने की? और तू क्या समझती है, तू अब पढ़ेगी लिखेगी तो लोग तुझे शाबाशी देंगे? अरे मजाक उड़ाएंगे मजाक, और तेरे साथ साथ पूरे घर का। एग्जैक्टली मामा, दादी बिल्कुल सही कह रही है। मॉम अगर आप पहले ही पढ़ लेती ना तो डैड का नुकसान होने से भी बच जाता और मेरी कॉलेज में बेइज्जती भी नहीं होती। आप सब क्या कह रहे हैं दादी, अभी अभी तो आप चिराग से कह रही थी ना कि विद्या पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ने लिखने या कुछ सीखने की उम्र थोड़ी ना होती।
माना कि माँ से गलती हुई है, लेकिन अब अगर वो पढ़ेंगे तो आइंदा उनसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इनफैक्ट वो आप सबको ऑफिस में या काम में हेल्प भी कर सकती हैं। पापा आप ही बताइए, मैं सही कह रही हूँ ना? दिया बेटा। जी नानू। आप अपने नानू को अपना नाम लिख के दिखा सकते हो? जी नानू, अभी लिख के दिखाती हूँ। अरे ये तो इंग्लिश में है, क्या आप हिंदी में लिख के दिखा सकते हो? जी नानू। जी नानू लिख दिया मैंने। वेरी गुड। तुम देख रही हो साक्षी, जब मिट्टी कच्ची हो तो उसे किसी भी तरह ढाला जा सकता है, उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरह जब उम्र कच्ची हो तब सिखाया जा सकता है, बाद में नहीं।